नमस्कार आप सभी का। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ओपन शॉट का सत्र दो, यानी कि सेशन टू। और यह है सत्र दो का फर्स्ट पार्ट। तो पिछले सत्र में हमने अपना वीडियो आधा एडिट कर लिया था और हमने सीखा था कि हम कैसे एक्सपोर्ट करा सकते हैं अपना वीडियो जहाँ तक हमने एडिट करा है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ओपन शॉट का फाइल खोल लेता हूँ। तो जैसे कि हम लोग फाइल को सेव कर रहे थे हर बार, तो ये मेरा सेव फाइल है, इसी को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा और ये खुल गया है। अब हम लोग फिर से वही स्टेप करेंगे। हमने यहाँ तक कुछ एडिट कर लिया था, तो हम प्ले करके सुनते हैं कि हमने क्या क्या करा है। रीजन बनता है जो स्पेस में डार्केस्ट शेडो का रीजन होता है उसे हम अम्ब्रा कहते हैं, और जो थोड़ा लाइटर शेडो रीजन होता है उसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं। ऐसे ही जो पृथ्वी में डार्केस्ट शेडो एरिया होता है उसे हम ऐसे ही जो पृथ्वी में डार्केस्ट शेडो एरिया होता है उसे हम टोटल सोलर तो एक्लिप्स यहाँ कहते पे हैं, हम और जो शेडो एरियाज पार्शियली की डार्क बात कर एरिया रहे होता है हैं उसे हम कि स्पेस में जो पार्शियली एरियाज होते हैं उसे उसे हम हम अम्ब्रा एंड पार्शियल पेनम्ब्रा सोलर कहते हैं। एक्लिप्स कहते हैं। तो ये और आगे का वीडियो थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो रखा है, थोड़ा सा मेरा साउंड का प्रॉब्लम है कि वहाँ पे मैं अटक रखा हूँ एक दो बार। तो मैं एक बार प्ले करके सुनूंगा कि हमारा कहते क्या हैं, गलत और है। जो थोड़ा लाइटर शेडो रीजन होता है उसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं। ऐसे ही जो पृथ्वी में डार्केस्ट शेडो एरिया होता है उसे हम ऐसे ही तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रखा है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही जो पृथ्वी में डार्केस्ट शेडो एरिया होता है, फिर मैं रुक गया था। तो यहाँ पे मैं फिर से सुनूंगा कि क्या गलत हुआ था। तो प्ले करता हूँ। तो यहाँ से कुछ गलत हुआ था, तो मैं पहले जूम इन कराया, मैंने कंट्रोल करके स्क्रॉल, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल दबाया। तो यहाँ से कुछ मैं रेजर टूल से काट दूंगा और फिर रेजर टूल को डीसेलेक्ट करके आके करूँगा। फिर इतना पार्ट सुनूंगा कि कितना ठीक है कि नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं काटते या फिर कम तो नहीं काट दिया। कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो पृथ्वी में डार्केस्ट तो शेडो यहाँ एरिया पे होता इतना है पार्ट मुझे उसे निकालना है, हम ऐसे तो यहाँ से मुझे फिर से लेना है। ऐसे उसे हम तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ठीक है, यहाँ पे फिर से काटूँगा, रेजर टूल को डीसेलेक्ट करूँगा और फिर इसे बंद का डिलीट कर दूँगा। फिर अब सुनते हैं। कहते हैं। ऐसे ही जो पृथ्वी तो में अब डार्केस्ट ठीक शेडो है, एरिया होता है उसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और जो पार्शियली डार्क एरिया होता है उसे हम पार्शियली उसे हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते यहाँ हैं। पे फिर से थोड़ी सी गलती हो रखी है। मैंने जब पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलना था तो मैंने पार्शियली सोलर एक्लिप्स ऐसे गलती से बोल दिया, तो मैं वहाँ पे रुक गया, फिर से वो लाइन रिपीट करी। तो फिर से हम लोग सुनते हैं कि कहाँ पे गलत हुआ। गलत वाले पार्ट को रेजर टूल से काट के डिलीट करेंगे एंड सही वाले पार्ट को वहाँ पे लगा देंगे। तो एक बार फिर से प्ले करके सुनते हैं। होता है उसे हम पार्शली तो यहाँ पे उसे हम, यहाँ से हमें काटना है, होता है उसे हम पार्शली तो यहाँ पे मैं उसे हम बोल रहा हूँ। तो फिर से सुनता हूँ कहाँ पे है। के लिए होता है उसे हम पार्शली तो पार्शली डार्क एरिया होता है उसे हम तो थोड़ा यहाँ कहीं से एक बार मैं काट के देखता हूँ। तो रेजर टूल से कट कर दिया है। अभी एक बार सुनेंगे पीछे का पार्ट कितना सही कटा है कि नहीं। पार्शली डार्क एरिया होता है उसे तो थोड़ा सा पार्ट आ रखा है, तो फिर से सुनते हैं। जो पार्शियली डार्क एरिया होता तो बहुत थोड़ा सा पार्ट आ रखा है, तो क्या करेंगे, साइड से मैं बिना रेजर टूल के भी एरिया काट होता है उसे सकते हैं। पार्शियली डार्क एरिया होता है। बहुत थोड़ा सा पार्ट आ रखा है, तो इसको कुछ ऐसे काट देंगे। पार्शियली डार्क एरिया होता है अभी भी बहुत थोड़ा सा है, तो एरो की मदद से मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। अभी भी बहुत थोड़ा है, तो एरो की मदद से मैं 2 फ्रेम्स पीछे जाऊँगा, फिर करता हूँ। एरिया होता है डार्क एरिया होता है पार्शली ठीक है, अभी ठीक है, अब सुनते हैं इस वाले पार्ट को। उसे हम पार्शल उसे हम उसे हम पार्शली तो यहाँ से हम फिर से काट सकते हैं और फिर रेजर टूल को डीसेलेक्ट करके डिलीट करेंगे और फिर इसको यहाँ लगा देंगे। अब सुनते हैं पूरा कि हमने सही करा है कि नहीं। फाइल में जाके एक बार सेव कर देंगे प्रोजेक्ट। एक्लिप्स कहते हैं, और जो पार्शियली डार्क एरिया होता है उसे हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, आगे का सुनते हैं, तो आगे ये भी है कितना हमारे मिस हुआ सोलर है। एक्लिप्स की प्रक्रिया, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और आज का ये वीडियो खत्म करने से पहले
हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्लिप्स कब होता है। तो एक्लिप्स तब होता है जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, एंड पर्टिकुलरली जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है उसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण। तो आशा करते हैं आपको सूर्य ग्रहण की प्रोसेस समझ आई हो। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ठीक है, सब ठीक है, बस लास्ट में मैं कैमरा बंद करने के लिए जाता हूँ, तो उससे पहले हम काट देंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यहीं पे हम लोग रेजर टूल से कट कर देंगे मेरे मूव करने से पहले, और फिर रेजर टूल डीसेलेक्ट करके लास्ट का पार्ट डिलीट कर देंगे। अब सब हमने वीडियो, मेन वीडियो हमने कट करके लगा लिया है, अब सब सही है। अब बस हमें जो हमारे एसेट्स हैं, जो ये फाइल्स हैं, वीडियो एंड और इमेज वाले फाइल्स, इसको हमें लगाना है बस। तो एक बार प्ले करके सुन लेते हैं। शेडो रीजन होता है उसे हम अम्ब्रा कहते हैं। जो इसमें डार्केस्ट शेडो रीजन होता है उसे हम अम्ब्रा कहते हैं, और जो थोड़ा लाइटर शेडो रीजन होता है उसे हम पेनम्ब्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि हम डार्केस्ट शेडो एरिया को अम्ब्रा कहते हैं, एंड जो थोड़ा लाइटर होता है उसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसके आगे का प्रोसेस आना चाहिए जो एनिमेशन है। तो मैं पहले एनिमेशन वाली फाइल नीचे लाऊंगा, एंड फिर इसको एक बार उतना पार्ट लाऊंगा जहाँ तक बस शेडो था। मैं देखूँगा बस शेडो था, फिर टेक्स्ट कहाँ से आने स्टार्ट होता है, तो कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से काट दूँगा, क्योंकि इतना पार्ट तो हमारे पास है। इतना पार्ट हमारे पिछले पार्ट में था कि शेडो एरिया आ रही है, फिर उसके बाद टेक्स्ट का नहीं था, तो टेक्स्ट का हमने नए फाइल में ले लिया। आप देख सकते हैं एक बार प्ले, शेडो रीजन होता है उसे हम अम्ब्रा कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक आ गया है। फिर क्या करेंगे हम, इसको भी थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो स्लो करने के लिए हमने देखा था एरो में जाएंगे, टाइम में जाएंगे, एंड यहाँ पे टाइम में जाके नीचे आके स्लो का ऑप्शन है, फॉरवर्ड में आके हाफ कर देता है, तो हाफ स्पीड हो गई इसकी, तो जितनी ओरिजिनल थी उससे आधा कम हो गया है, आधा स्पीड कम। शेडो रीजन होता है उसे हम अम्ब्रा कहते हैं, और जो थोड़ा लाइटर शेडो रीजन होता है उसे शायद मैच हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है, पर सोलर एक्लिप्स का वो भी आ रहा है, वो जो इसका मेन टॉपिक का नाम है वो नाम भी आ रहा है, और कोई बात नहीं, हम लोग एक बार प्ले करके देखते हैं कि होता है उसे हम अम्ब्रा कहते हैं, और जो थोड़ा लाइटर शेडो रीजन होता है पेनम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, पेनम्ब्रा तक आ रहा है। फिर ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी थोड़ा मोशन देंगे, क्योंकि हमारा टेक्स्ट एक साइड में आ रहा है, हम चाहते हैं थोड़ा लगभग लगभग मिडल में, तो उसके लिए हमने देखा था एरो में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेट में जाके हम एंटायर क्लिप में एक जूम इन का इफेक्ट डाल सकते हैं, और हम लोग 100 to 150 कर सकते हैं, तो 100 to 150 काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर हम लोग थोड़ा पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा टेक्स्ट लगभग लगभग बीच में आ सकता है, पूरा बीच में तो नहीं पर लगभग लगभग बीच में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देंगे, अपना पोजीशन को थोड़ा चेंज करेंगे, फिर डबल क्लिक करके ज़ीरो कर देंगे, तो वहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। आप देख सकते हैं ज़ीरो हो गया, तो स्टार्टिंग में हमें ज़ीरो ही चाहिए। जूम हो रहा है तो स्केल में हम लोग कोई की फ्रेम नहीं लाएंगे, हमें सिर्फ पोजीशन में लगाना है, क्योंकि हमें बस पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। जूम हो रहा है तो फिर हमें स्केल में कोई पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा ये आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि मैं टेक्स्ट को छुपाता हूँ, तो हम लोग जो मेन वीडियो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर सकते हैं, पर अभी वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ठीक है। बाकी आप बीच में देख सकते हैं हमें ब्लैक बार्स दिख रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बार वो है कि बैकग्राउंड शो हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जहाँ पर हमें दिख रहा है वहाँ पर जाके पोजिशन थोड़ा ठीक करेंगे, और वहाँ पर भी एक की फ्रेम लग जाएगा, तो कंप्यूटर को पता रहेगा कि यहाँ पर इस पोजीशन में रहना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं करना है, ताकि ब्लैक बार ना दिखे। तो ब्लैक बार दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जो ब्लैक पार्ट लग दिख रहा है वो अच्छा नहीं लगता देखने में, तो हम बस वही ध्यान देंगे कि ब्लैक पार्ट ना दिखाई दे। तो एक बार फिर से देखते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो स्टार्टिंग में जहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाएंगे, आगे जाएंगे जहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो इसको डबल क्लिक करके मैं ज़ीरो ही कर देता हूँ,
जीरो में नहीं दिखाई होता दे है उसे हम अम्ब्रा कहते हैं, और जो इवोक्यूली थोड़ा दिखाई लाइटर दे रहा शेडो है, रीजन होता है तो उसे हम सब सही है क्या? पेनम्ब्रा कहते हैं। ऐसे ही जो पृथ्वी में सब सही डार्केस्ट है। शेडो एरिया होता है हाँ उसे हम ठीक है टोटल सोलर। तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ कि पृथ्वी में जो डार्केस्ट शेडो एरिया होता है उसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और जो थोड़ा लाइटर पार्ट होता है उसे हम पार्शल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आगे के लिए भी ये चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ एक कट मारता हूँ, बहुत छोटा सा फाइल बना लिया मैंने, और मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा। तो स्ट्रेच करके क्या करेंगे, पहले तो इसको हम आगे लाएंगे, और फिर जब हम ऐसे फ्रेम में आते हैं जहाँ पे वो जूम इन वाला इफेक्ट एंड हो रहा है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरो में जाएंगे, टाइम में जाते हैं, और यहाँ पे एक फ्रीज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं फ्रीज़ फॉर 8 सेकेंड। तो ये क्या होगा, वहीं से एक की फ्रेम लग जाएगा और ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा मैंने आपको दिखाने के लिए करा था कि फ्रीज़ का एक लिए यूज़ होता है। तो एक बार मैं अंडू कर रहा हूँ, और अब देखते हैं कि हम लोग, क्योंकि दो फाइल बनाने से अच्छा हम एक ही फाइल में कर देते हैं। तो हमारी मेन वाली फाइल है, एकदम लास्ट वाले की फ्रेम में जाएंगे जहाँ पे वीडियो ख़त्म ही हो रही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एरो में जाएंगे, फ्रीज़ करना हमने देखा, टाइम में जाके फ्रीज में जा सकते हैं। फ्रीज़ में आके हम 20 सेकेंड तक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 20 वैसे ज़रूरत नहीं होगा, पर मैंने इसलिए ले लिया ताकि कहीं कम ना हो जाए फ्रीज फ्रेम। तो एक बार प्ले करके शेडो एरिया देखते होता हैं। है उसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और जो पार्शियली डार्क एरिया होता है उसे हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स की बात हो रही है। तो ये है हमारे सोलर एक्लिप्स की प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म कर रहे हैं एंड मैं बोल रहा हूँ, तो ये है हमारे तो ये है हमारे सोलर एक्लिप्स सोलर की एक्लिप्स की प्रक्रिया, जैसे कि प्रक्रिया, आप वीडियो में देख जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो यानी कि जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने इसलिए बोला ताकि कि हम लोग यहाँ पे एनिमेशन वाली फाइल प्ले कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन वाली फाइल प्ले कर देता हूँ, तो एक बार हम लोग देखते रहे हैं। हैं। तो ये है हमारे सोलर एक्लिप्स की प्रक्रिया, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और आज का ये वीडियो खत्म करने से पहले हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्लिप्स कब होता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रिपीट करने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्लिप्स क्या होता है, तो यहाँ तक हम लोग कुछ और करेंगे, पर ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी तो इसको थोड़ा पीछे करते हैं एंड एक बार कट करते हैं रेजर टूल से आधा, और आधा जो बाकी का बचा है इसको हम स्लो करके देखते हैं कि हमारा टाइम ठीक हो रहा है कि नहीं। एक्लिप्स की तो प्रक्रिया, जैसे कि हाफ आप वीडियो स्पीड में कर देख दिया पा मैंने। रहे हैं। और आज का ये वीडियो खत्म करने से पहले हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने ठीक पढ़ा है, एक्लिप्स कब होता तो यहाँ पे देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। तो सबसे पहले है, हमने हमने पढ़ा क्या एक्लिप्स पढ़ा। क्या तो होता है, सबसे पहले ये बोल रहा हूँ मैं। क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्लिप्स। तो एक्लिप्स की बात यहाँ कहीं आ रही है, तो मैं फाइल को यहाँ करता हूँ और स्टार्टिंग में देखता हूँ यहाँ पे सही लग रहा है कि नहीं। तो ये है हमारे सोलर एक्लिप्स की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को मैं फिर से लाने के लिए क्या करता हूँ, फेड इन वाला ट्रांजिशन हमने देखा था, फेड इन वाला ट्रांजिशन दे सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ इस बार मैं फेड इन वाला नहीं देता हूँ, मैं नीचे ले आता हूँ इसको, एक बार सुनता हूँ। तो ये है हमारे सोलर एक्लिप्स की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारी सोलर एक्लिप्स की प्रक्रिया यहाँ कहीं बोल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रेजर टूल से डिलीट करता हूँ, मैग्नेट टूल हमेशा ऑन रखेंगे, स्नैपिंग टूल होता है वो, और फिर इस वाले को क्या करूँगा, एरो में जाऊँगा, एनिमेट में आता हूँ, एंड ऑफ क्लिप, क्योंकि मुझे एंड में कुछ एनिमेशन करना है। तो मैं करता हूँ सेंटर टू, एक बार लेफ्ट कर लेते हैं हम लोग, और फिर इसको थोड़ा चेंज करेंगे। अब प्ले करके देखते हैं कि सही ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं। तो ये है हमारे बढ़िया सोलर एक्लिप्स ट्रांजिशन की हो रहा है, प्रक्रिया, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे आप देख हैं। पा रहे हैं काफ़ी सही और आज ट्रांजिशन है। का ये वीडियो खत्म अब करने से बस हमें पहले देखना है कि हम ऑडियो के देखते साथ हैं कि हमारा आज वीडियो हमने क्या क्या देता है। पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्लिप्स कब होता है। तो यहाँ पे जाके हम लोग कहीं आगे जाके एक्लिप्स की बात कर रहे हैं, पर ये हमारी वीडियो ख़त्म हो जा रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, और वीडियो भी ख़त्म हो जा रही है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमें टेक्स्ट छुप रहा है हमारा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने जो मेन वीडियो है उसका साइज़ थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखने लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अपना जो मेन वीडियो है उसका साइज़ छोटा कर देता है। तो एक बार देखते हैं,
तो ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं, एंड 0.25 था, 0.20 कर देते हैं, तो 0.20 हो गया। दूसरे को भी 0.20 करेंगे, वरना हमारा वीडियो आप देख सकते हैं बहुत पतला सा हो गया है, अजीब सा। तो यहाँ पे मैंने 0.20 करा, जहाँ पे हमने स्केल को चेंज करा वहीं पे हम पोजीशन को भी चेंज कर लेंगे। तो एक बार चेक करते हैं स्केल हमने कहाँ पे चेंज करा, तो यहाँ पे चेंज करा है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हो गया, आप देख सकते हैं स्केल एक्स स्केल वाई। तो यहीं पे पोजीशन को भी चेंज कर लेंगे। तो पोजीशन के लिए हमें जाना है लोकेशन में, तो लोकेशन ये रहा, पहले वाई एक्सेस को चेंज करते हैं, धीरे धीरे करें माउस से क्लिक करके राइट लेफ्ट ड्रैग करके, एक्स एक्सेस को भी ऐसी क्लिक करके राइट लेफ्ट ड्रैग करके, थोड़ा सा अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे आप नंबर्स डाल सकते हैं कीबोर्ड से। तो ठीक है 39 ही ठीक था, तो 0.39 कर देता हूँ मैं, तो ये ठीक है। अभी फाइल को सेव करेंगे, एंड अब हमारा बहुत थोड़ा सा बच गया है, तो अब बाकी पार्ट हम लोग आगे कवर करते हैं अगले पार्ट में, 17.2 के। ये हमारा 17.2 का पहला पार्ट था, और अभी हमने क्या करा, हमने अपना टेक्स्ट वाले एरियाज में दिखाया कि हम लोग कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड पार्शियल एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स, एंड ऐसे हमने आगे भी देखा। तो बाकी के पार्ट हम आगे करते हैं, बाकी का जितना वीडियो बची है, ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही पार्ट बचा है आप देख सकते हैं, वो हम आगे कवर करते हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अगले पार्ट में मिलते हैं।